हे वेलकम बैक, आई एम और धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसए इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत दिन से हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्लाउस। क्लाउस हमने बेसिक क्लास दिया था ना, ये हैशटैग 4 है आपका। हमने 3 तक वीडियो आपको बेसिक दिया था। अब यहाँ 4 की बात करें तो बेसिक क्लास में ऐसा क्या मैं पढ़ाऊँ कि आपको अंग्रेजी आ जाए, ऐसा क्या पढ़ें कि अंग्रेजी हम लोगों को आ जाए, लिखना पढ़ना बोलना सब। तो आखिर हमने पढ़ाया लेटर, हमने पढ़ाया वर्ड, हमने पढ़ाया सेंटेंस। अब यहाँ पे देखना यह है कि वर्ड पढ़ाया भाई आपको सब्जेक्ट, अब जानना यह है कि भाई क्लाउज क्या होता है। तो वर्ड से बड़ा होता है क्लाउज। हमने स्टार्ट कहां से करा था, लेटर से। लेटर से बड़ा क्या बताया था आपको, वर्ड। वर्ड से बड़ा क्या बताया था आपको, क्लाउज, राइट। और क्लाउज से बड़ा क्या बताया था आपको, सेंटेंस। यानी कि हम लोगों को आज क्लाउज पढ़ना है और यह जानना है कि क्लाउज क्या होता है, राइट। तो एक एक वर्ड हम जानेंगे कि आखिर लेटर पढ़ाया था आपको, वर्ड बता दिया, अब क्लाउज क्या होता है, तो क्लाउज जानने का हम प्रयास करते हैं। अब मेरे साथ आप सीखने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। बेसिकली क्लाउज का मतलब क्या होता है, क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है बाबू, उपवाक्य। क्लाउज का मतलब उपवाक्य या वाक्यांश या कह सकते हो आप तो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। यानी क्लाउज का मतलब, जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिखा, आप देखना यहाँ पे हमने लिखा लता इट्स, लता खाती है। आप मुझे बताओ कि लता एक वर्ड है कि नहीं, इट्स एक वर्ड है कि नहीं, यह भी एक वर्ड है, यह भी एक वर्ड है। किसने पूछा कि लता खाती है सेंटेंस है कि नहीं, आप बोलोगे यस सर सेंटेंस है। बट ना बच्चे, लता इट्स सेंटेंस नहीं है, लता इट्स को हम क्लाउज कहते हैं। क्यों सर, क्योंकि क्लाउज का मतलब होता है, क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। क्या कहा बच्चे, क्लाउज का मतलब उपवाक्य, क्लाउज का मतलब वाक्य का खंड। तो हमने कहा क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। यानी क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। जैसे हमने कहा लता इट्स, तो लता इट्स में कितना सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लाउज। अब अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू कि लता इट्स अ मैंगो, अब बताओ कि लता इट्स अ मैंगो, अब बताओ कि सेंटेंस है कि नहीं। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए सेंटेंस बन गया, राइट। तो लता इट्स अ मैंगो ये सेंटेंस भी हो गया और साथ साथ क्लाउज भी हो गया। क्यों, क्योंकि जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो उसे हम क्लाउज कहते हैं। तो ये क्लाउज भी है और सेंटेंस भी है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि लता इट्स क्लाउज है सेंटेंस नहीं है। लेकिन लता इट्स अ मैंगो क्लाउज भी है और सेंटेंस भी है, क्योंकि दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। दूसरे बच्चे, जब आप पढ़ रहे हो तो कॉपी कलम निकाल के पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लाउज। अभी सेंटेंस को आप देखो, हमने कहा क्लाउज की बात, अब इस वाक्य को देखो, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। ये पूरा का पूरा बताओ बच्चे एक सेंटेंस है कि नहीं, राइट। ये पूरा सेंटेंस है, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड मेट हर और उसे मिला, व्हेन शी वाज डांसिंग जब वो डांस कर रही थी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इस पूरे सेंटेंस में मेन क्लाउज कौन सा है, इस पूरे सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाउज कौन सा है, इस पूरे सेंटेंस में मुख्य क्लाउज कौन सा है। आखिर आप ध्यान दो कि इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो मुझे बताओ यह भी एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ, राइट हुआ ना। अब देखो एंड मेट हर, इसमें भी सब्जेक्ट छुपा हुआ आई, चूंकि आई वेंट देयर, एंड क्या है कंजंक्शन, एंड आई मेट हर, आई चूंकि यहां पे दिया हुआ है इसलिए आई यहां छुपा हुआ है, तो एंड आई मेट हर, तो ये भी एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ, राइट हुआ ना। अब देखो व्हेन सी वाज डांसिंग, तो सी वाज डांसिंग, ये भी एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ। यानी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो सकता है, एक क्लाउज वन, क्लाउज टू, क्लाउज थ्री, ये तीन क्लाउज इसमें बढ़ गए। अब आपसे जानना मुझे ये है कि तीन क्लाउज में मुख्य क्लाउज कौन सा है, मेन क्लाउज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लाउज कौन सा है। तो मैं बताऊं बच्चे कि आई वेंट देयर, जब तक मैं जाऊंगा ही नहीं तो कैसे मिलूंगा और डांस कैसे देखोगे। इसका मतलब हुआ कि इसमें मेन क्लाउज आई वेंट देयर है, राइट। यानी इस क्लाउज को हम नाम देंगे प्रिंसिपल क्लाउज,
प्रिंसिपल क्लाउज यानी जो दुनिया का हर एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज शुरू होता है, बिना प्रिंसिपल क्लाउज के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, बेन देयर मुख्य क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है, मेन क्लाउज है, बिना मेन क्लाउज का कोई सेंटेंस संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ का इवेंट देयर प्रिंसिपल क्लाउज है, मेन क्लाउज है, राइट। अब देखो एंड जुड़ा हुआ है, यानी जो कोई सेंटेंस एंड से जुड़ा हो, आपको जरूरी कि एंड ही आएगा, एंड भी आ सकता है, बी यू टी बट भी आ सकता है, और भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, नॉर भी आ सकता है, इस तरह के एज वेल एज भी आ सकता है, तो इस तरह के कोई भी कंजंक्शन से जुड़ा हो, किसे कहा हमने कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो इस तरह के क्लाउज का नाम होगा, क्या कहा आपने, कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज। यानी दो क्लाउज हो गए, दुनिया का कोई सेंटेंस जो सेंटेंस की शुरुआत करता है प्रिंसिपल क्लाउज, जिसमें एंड बट और फॉर नॉर लगा है, उस क्लाउज को नाम देंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज, और जिसमें व्हाट वेयर व्हेन व्हेन लगा है तो व्हाट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, कॉपी कलम निकालो, व्हाट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगा हो, इस क्लाउज को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। सब सीख पा रहे बच्चे, हम बिल्कुल आराम से पढ़ाने के मुड़े पढ़ा रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज। तो हमने फिर सुन लो, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्लाउज कितने हो गए, तीन, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल किसे कहते हैं सर, तो दुनिया का कोई सेंटेंस जो सेंटेंस की शुरुआत करता है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक भर पाया जा रहा है, उस क्लाउज का नाम होगा प्रिंसिपल क्लाउज। दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें एंड बट और फॉर नॉर लगाओ, क्या काम ने, दुनिया कोई सेंटेंस जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो, जिसमें एंड बट और फॉर नॉर लगा हो, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। और चौथा जिसमें बात कहा कि दुनिया कोई सेंटेंस जिसमें व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ लगा हो, उसे कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो क्लाउज कितने हो गए, तीन तरह के, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। अब देखते हैं कि आखिर ये क्लाउज हम जान गए कि भाई प्रिंसिपल हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, तो इसको पढ़ने का बेनिफिट क्या है, राइट। तो इसके आधार पर हम लोग को सेंटेंस निकालना है, जो चार तरह के सेंटेंस होते हैं। अब यहां पर हमने क्लाउज क्यों सीखा, तो क्लाउज इसलिए सीखा कि ताकि आप चार तरह के सेंटेंस को सीख पाए। अब सेंटेंस क्या कहते बच्चे, अब यहां देखो कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, यानी क्लाउज के आधार पर सेंटेंस चार प्रकार का, आज ही सीख जाओ क्लाउज। पहला कहा सिंपल सेंटेंस, दूसरा कहा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा कहा मिक्स्ड सेंटेंस, यानी चार तरह के सेंटेंस होते हैं। फिर से एक बार, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। अब हमने एक बात कहा था कि दुनिया का कोई सेंटेंस हो, लेकिन वो सेंटेंस तभी सेंटेंस होगा जब उसकी शुरुआत किससे होगी, प्रिंसिपल क्लाउज से। यानी सिंपल सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा बाबू, तो आप कह सकते हो कि इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज, जिसकी शुरुआत किससे हो, प्रिंसिपल क्लाउज से। जैसे क्या लिखा था, आई वेंट देयर। अब बताओ बच्चे कि आई सब्जेक्ट, वेंट वी टू, देयर हो गया वर्ब, तो जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, उसे हम कौन सा क्लाउज कहते हैं बच्चे, प्रिंसिपल क्लाउज। और दुनिया का हर एक सेंटेंस, ये आपके एसएससी में, यूपीएससी में, हर एग्जाम में पूछ रहा है, दुनिया का कोई सेंटेंस जो सेंटेंस की शुरुआत करता है, जो सेंटेंस शुरुआत करता है, उस सेंटेंस का नाम, उस क्लाउज का नाम होता है प्रिंसिपल क्लाउज। और जो प्रिंसिपल क्लाउज से जो सेंटेंस बनता है, उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दुनिया का कोई सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट हो और वो प्रिंसिपल क्लाउज से बने सेंटेंस को हम सेंटेंस का नाम देते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल क्या है भाई, जिसकी शुरुआत, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, इट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। आई वेंट देयर, राम इट्स मैंगो, राम केम हियर, तो सारे सेंटेंस जो हमने कहा वो कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे होती है, प्रिंसिपल क्लाउज से। अब यहां ध्यान दो, अब दूसरा क्या बच गया हम लोगों का, कंपाउंड सेंटेंस। फिर सुन लो, कंपाउंड सेंटेंस हो चाहे कोई आउंड सेंटेंस हो, उसे मतलब नहीं है, मतलब है कि अगर सेंटेंस होगा तो उसे प्रिंसिपल क्लाउज होना पड़ेगा बच्चे। यानी कि आप कह सकते हो कि इट बिगिंस विथ, राइट, ध्यान देना गौर से, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस, प्रिंसिपल क्लाउज के साथ अगर हम प्लस कर दें और प्लस कर दें कोऑर्डिनेट क्लाउज, ध्यान देना, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज,
ठीक है बच्चे, तो प्रिंसिपल क्लाउज बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज, यानी प्रिंसिपल क्लाउज के साथ हमने क्या जोड़ दिया, कोऑर्डिनेट क्लाउज यानी कंजंक्शन जोड़ दिया, तो सेंटेंस का जो निर्माण हुआ ना उस सेंटेंस का नाम हुआ कंपाउंड सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल सर, तो हमने कहा आई वेंट देयर, अब देखो गौर से, आई वेंट हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, राइट, आई वेंट देयर प्रिंसिपल क्लाउज, अब इसके साथ जोड़ दिया हमने एंड मेट हर, अब जरा गौर से देखो, आई वेंट देयर एंड मेट हर, तो मैं वहां गया उससे मिला, तो आई वेंट देयर प्रिंसिपल क्लाउज और मेट हर हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज, तो क्या कहा, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज बराबर कंपाउंड सेंटेंस, यानी अब पहचानना आसान हो गया नहीं, यानी दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें एंड बट और फॉर नॉर लगा हो उस सेंटेंस का नाम क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस, यानी प्रिंसिपल क्लाउज के साथ, प्रिंसिपल क्लाउज के साथ अगर मैं जोड़ दू एंड बट और फॉर नॉर, तो जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड कहलाएगा, मतलब कि प्रिंसिपल के साथ अगर कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया जाए तो जो सेंटेंस बनेगा उसे कहेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। यहां तक बात समझ में आपको आ रहा होगा और आ भी गया होगा, कंपाउंड समझ में आ गया कि भाई कंपाउंड होता है। अब बात करें कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, तो इसको कह सकते हो कि इट बिगिंस विथ, ध्यान देना बच्चे, फिर बात बोलो, कॉम्प्लेक्स हो चाहे कोई एक्स हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस का नाम है तो प्रिंसिपल क्लाउज होना पड़ेगा, बिना प्रिंसिपल क्लाउज के सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा इट बिगिंस विथ, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी प्रिंसिपल के साथ अगर मैं व्हाट वेयर व्हेन लगा दूं तो सेंटेंस बनेगा उसका नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे क्या हमने कहा, आई वेंट देयर, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, व्हेन शी वाज डांसिंग, आई वेंट देयर प्रिंसिपल क्लाउज, व्हेन शी वाज डांसिंग सबऑर्डिनेट क्लाउज, इन दोनों को मिला दिया तो जो नया सेंटेंस बना उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ जो प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, प्रिंसिपल के साथ राज की बात, प्रिंसिपल के साथ सबऑर्डिनेट को मिला दो, बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं समझ में आता, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता क्लाउज क्या है, आज आपको समझ में आ रहा है कि भाई क्लाउज तीन तरह का देखा आपने, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट, तो प्रिंसिपल के साथ अगर मैं सबऑर्डिनेट को जोड़ दूं, देखो ना, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग, ये कैसा बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से, अच्छी बात, इसका यूज क्या है, आप कॉमन सी बात करोगे, जैसे मान लेते हैं बहुत ही सिंपल, हमने एक सेंटेंस दिया आपके, आपको चेक करने के लिए, हमने कहा आई नो, मैं जानता हूं आपका क्या नाम है, आई नो व्हाट इज योर नेम, आई नो व्हाट इज योर नेम, अब ये सेंटेंस फुल स्टॉप लगा दिया, ये सेंटेंस पता है क्या हुआ, गलत हो गया, जबकि देखा जाए आई नो कौन सा क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, व्हाट सबऑर्डिनेट क्लाउज, अब वर्ड के बाद कभी भी बीच में इस नहीं आता, क्यों सर, क्योंकि यहां पे क्लाउज है और क्लाउज का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, जैसे मान लो सब्जेक्ट है वर्ब है, यहां पे कोई तुमने लगा दिया व्हाट, लगा दिया व्हेन, लगा दिया व्हाई, तो इसके बाद दो चीज ध्यान देना, कभी भी एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ये सब चीज नहीं आता, जब भी आता है तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड आता है, ऐसा करना सही हो जाएगा। यानी आपको ध्यान ये देना है कि डब्ल्यू एच वर्ड, चाहे व्हाट हो, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे हाउ हो, कोई वर्ड हो, अगर सब्जेक्ट वर्ब के बाद ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज के बाद अगर व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ आता हो, तो कभी भी अपने साथ एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज मार वाज वेयर डू डज डिड नहीं लेता है, लेता क्या है, सब्जेक्ट लेता है, तो व्हाट इज योर नेम गलत हो जाता, सही कैसे होगा सर, तो हो जाएगा व्हाट योर नेम इज, अब ये सही हो गया, आई नो व्हाट योर नेम इज, कोगो से बोलने में अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, एग्जाम पास करना है आज के बाद ऐसे ही बोलना अंग्रेजी, क्योंकि आई नो प्रिंसिपल क्लाउज है, बीच में वाज जुड़ गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसलिए व्हाट योर नेम इज होना चाहिए, व्हाट इज योर नेम नहीं, क्योंकि यहां पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक क्लाउज है, यही तो पढ़ना है आपको नियम, इसके साथ में इसका कॉमन एरर भी पढ़ाऊंगा, तो आप ध्यान देना,
जैसे मैं आपसे पूछूं, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो, आई नो वेयर डू यू लिव, गलत हो गया, आई नो वेयर यू लिव, ना कि वेयर डू यू लिव, क्योंकि वेयर अगर कनेक्शन हो गया तो वेयर के बाद डू डज डिड इज एम आर बैज वाज वेयर कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसके तुरंत पर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, तो व्हाट योर नेम इज, आई नो व्हाट यू ईट, ना कि व्हाट डू यू ईट, तो आप आई होप आपको समझ में सब आ रहा होगा। अब चौथा देखते हैं मिक्स सेंटेंस, यहाँ पे हम और बातें करेंगे आपसे, लेकिन पहले आप क्लाउज सीख लो, फिर मैं क्लाउज का पढ़ा दूंगा, कॉमन एरर्स समझ में आपको आ जाएगा। अब देखो बच्चे क्या लिखा हमने, मिक्स सेंटेंस, जो मिक्स्ड हो चाहे कोई हो, इसमें प्रिंसिपल होगा ही होगा, यानी कह सकते हो इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल, और देखो बढ़िया से, प्रिंसिपल क्लाउज, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी इसकी शुरुआत किससे होगी बेटा, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, जो किसी के साथ शुरू कर दो, यानी आपने सेंटेंस क्या लिखा, देखो लिख रहा हूं, आई वेंट देयर एंड मेट हर, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वॉज डांसिंग, हमने क्या कहा वो सुनो, हमने कहा कि मिक्स सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक हो गया आई वेंट देयर प्रिंसिपल क्लाउज एंड मेट हर कोऑर्डिनेट क्लाउज एंड व्हेन शी वाज डांसिंग सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी कि हमने कहा कि इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसकी देखो सेंटेंस अगर है तो प्रिंसिपल क्लाउज होगा ही होगा, अब प्रिंसिपल क्लाउज होगा तो उसके साथ क्या जोड़ दिया हमने, कोऑर्डिनेट क्लाउज, क्या जोड़ दिया हमने, सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा बना, इसका नाम क्या होगा, मिक्स्ड सेंटेंस, राइट। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ाया क्लाउज, क्लाउज में क्या पढ़ा भाई, कितने तरह के होते हैं, क्लाउज पढ़ने का फायदा क्या है, तो सेंटेंस, सेंटेंस चार पढ़ा हमने, इस तरह से आप, अब प्रश्न उठता है कि इससे कॉमन एरर्स कैसे होंगे, तो हमने झलक दिखलाया है, इसके साथ साथ इसका अगला वीडियो मैं आपको दूंगा, ए हैशटैग 4 है कि ऐसा क्या पढ़ाऊं कि अंग्रेजी आ जाए, मेरे बच्चे आप सीखो, और आप जिस प्रकार मैं आपका हेल्प कर रहा हूं ऐसे ही आप पूरे भारत की मदद करिए, हिंदुस्तान के हर लोग की मदद करिए, और सारे बच्चों को ये वीडियो दीजिए ताकि समाज कल्याण हो, अंग्रेजी बहुत बच्चों को नहीं आता, क्लाउज बहुतों को नहीं आता, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, अपने हर सिस्टम में जितने भी चीज़ है हर जगह शेयर करके हिंदुस्तान की मदद करिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूं।